हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू कर्नर, आप देख रहे हैं टेक इन ट्रिक स्टूडियो। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक टेक्निकल वीडियो लेके आ गया हूं फ्रेंड्स। तो आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना फेसबुक अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि आप अपना फेसबुक अकाउंट को कैसे नेक्स्ट लेवल का सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे आदमी के मुँह से मैं ये सुन रहा हूँ कि भाई मेरा फेसबुक अकाउंट जो है वो हैक हो गया है, या फिर फेसबुक का जो है पासवर्ड किसी ने चेंज कर दिया है। तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूं, जिससे आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। तो थोड़ा बहुत तो नहीं फ्रेंड्स, बहुत हेल्प मिल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को। तो आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है फ्रेंड्स। तो वीडियो को जो है बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको कम्प्लीटली समझ में आए फ्रेंड्स। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फेसबुक ब्राउज़र खोल लेना है। फेसबुक ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ पे मेरा फेसबुक ब्राउज़र खुल गया है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे थ्री स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ से स्क्रोल डाउन करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो आपको सेटिंग चूज कर लेना है। सेटिंग चूज करने के बाद नीचे स्क्रोल डाउन कीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड लॉगिंग, तो इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो इस पर जो है आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ से जो है आपको आज मैं आप लोगों को टेक्स्ट मैसेज SMS तो इससे रिलेटेड वीडियो बना के दिखाऊँगा, मतलब बना के दूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं इससे भी हाई लेवल का सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं आप अपना फेसबुक में, तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा, मतलब ऑथेंटिकेशन ऐप के बारे में। तो हम लोग जो है अभी टेक्स्ट मैसेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से जो है आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं ऐड फ़ोन नंबर, मतलब यहाँ पर जो है आपको फ़ोन नंबर ऐड करना पड़ेगा, जो वाला फ़ोन नंबर में आपका जो है OTG आएगा, मतलब आपका फेसबुक अकाउंट कोई खोलने लगेगा या फिर दूसरा ब्राउज़र से कोई खोल रहा है, तो वहाँ पे जो है आपको फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड होता है वो तो डालना ही पड़ेगा। बट वहाँ पे जो है आपको, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे आप, वो वाला मोबाइल नंबर में एक OTG आएगा। तो वो OTG जब तक नहीं डालेगा, वो जो खोल रहा है फेसबुक को, जब तक ये OTG नहीं डालेगा तब तक जो है फेसबुक ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर ऐड कर देना है जिसमें OTG आएगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूं, और यहां से जो है आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद एक SMS आएगा, OTG आएगा, मतलब यहां पे देख सकते हैं OTG आ गया। तो मैंने OTG डाल दिया, और यहां से जो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप 2-factor authentication is on, मतलब आपका जो है मोबाइल में फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड होता है वो तो डालना ही पड़ेगा, बट दूसरा पासवर्ड भी एक आता है, मतलब आपका मोबाइल नंबर में एक OTG आएगा, उसको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपका 2-factor authentication जो है वो ऑन हो गया। अब आपका फेसबुक डाउन पे क्लिक कर देना है। अब आपका फेसबुक जो है कोई भी मतलब हैक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2-factor authentication is on, तो आपका जो है 2-factor authentication ऐसे करके जो है आप ऑन कर सकते हैं, और अब आप अपना फेसबुक अकाउंट को जो है नेक्स्ट लेवल का सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि मेरा जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।